नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। विषय गणित कक्षा दसवीं का जो आपका पेपर है, मध्य प्रदेश बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। आपका जो पेपर रहेगा वो 11 मार्च को रहेगा। तो उसके लिए साथियों, मैं यहाँ पर आपको पेपर बता रहा हूँ पूरा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो साथियों, चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं, और आपका होने वाला जो पेपर है साथियों, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ से आएगा साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणित बी बराबर 64 और HCF ए कोमा बी कोष्टक बंद बराबर 16 है, तो LCM ए कोमा बी बराबर LCM हो जाएगा आपका इसमें 4। 4 आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, तो अल्फा और बीटा का जो मान होगा साथियों वो होगा सी बटा ए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक का भी सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए 1/a2 बराबर ए सॉरी बी 1/b2 बराबर c1 c2 हो तो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है, अनंततः अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंततः अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54वां है। देखिए श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है, कौन सा पद 54 होगा, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो नवा पद क्या होगा, 54वां होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि छः का पहाड़ा चल रहा है, तो 9 छक्के क्या हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। तो इसको थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो जल्दी से चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे सोल्व करके बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जल्दी से बताइए। और राइट आंसर यदि आपका होगा तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा कि बिल्कुल ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 बिंदुओं ए x1, y1 और बी x2, y2 के बीच की दूरी है, तो इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा, और जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपका निकलेगा AB बराबर, यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको x2 माइनस x1 प्लस y1, ये नहीं होगा, माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करना पड़ेगा, तो पहला वाला आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर
जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अभाज्य। लिख लीजिए पहले वाले खालिस्तान का आंसर अभाज्य आएगा। दूसरा देखेंगे, द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, दूसरे वाले का आंसर। तीसरा देखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 3 - 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, तो सदैव साथियों इसमें चौथे वाले में आप लिखेंगे समान, क्या लिखोगे समान, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला छठा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं उसको छेदक रेखा कहते हैं, सभी को पता है कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गणित में बाहर नहीं होगा साथियों, बस आप सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, और आप इस वीडियो को कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। ऑल स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर करवाया जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार आपको अपडेट मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी भाई बहनों को वीडियो को शेयर कर दो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, देखिए 1 cot² θ, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरे का पहला है इसको आप मिलाओगे cosec² θ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे sec θ, तो sec θ को आप मिलाओगे साथियों 1 cos θ, और sin²θ + cos²θ, तो इसको आप मिला लीजिए, इसको अभी छोड़िए, वृत्त की परिधि आप मिलाइए 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल 2πr और असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता और इसका साइन इसको जूठा इसका हो जाएगा आपका 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला चौथा, जिसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो उसकी होगी साथियों आंसर लिख लीजिए वास्तविक, वास्तविक और असमान, ठीक है, वास्तविक और असमान होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, तो आप लिखेंगे हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श जो रेखा होती है दोस्तों वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक बिंदु पर, एक लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं (1, 4) और (3, 2) को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोष्टक में 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 और कोष्टक में हमारा LB + HBH + HL, ठीक है, बंद कर लेना इसको, है ना, ये L और HL है, ठीक है, आप ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, वापस वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है, और लिखने में थोड़ा बोलने में
हो सकता है, तो जो बोला जा रहा है वो आपका करेक्ट था। ठीक है, आगे देखिएगा, 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 7 हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है, बाकी कोई सा भी अंक हमें 3 बार दिखाई नहीं दे रहा है। 4 देखेंगे 2 बार है, 1 देखेंगे तो 1 ही बार है ना, तो 4 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सत्यापत्ति देख लीजिए, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन अभी तो मैं आपको 6 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 5 का उत्तर, किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि 3 है, तब वे एक्स माइनस अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य, पहला वाला क्या हो जाएगा सत्य, सॉरी पहला वाला ये नहीं है, गलत है ये। तो देखिए, किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि 3 है, तब वो एक्स माइनस अक्ष पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा जी, असत्य है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विव्यक्तिकर का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, बिल्कुल सही, सत्य है। अगला, श्रेणी 2, -2, -2 एक समांतर श्रेणी है, ये जो श्रेणी बन रही है क्या ये समांतर श्रेणी है? जी नहीं, ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, असत्य। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये बात जो चौथा वाला है आपका, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। तो पांचवा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन नंबर, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो ये सत्यापत्य हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छः से लेकर पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे पूरा, उसके बाद आपको 6 से लेकर 23 तक का पूरा उत्तर के साथ ये PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर पूरा आपका 23वां हो गया। चलिए अब इसके आंसर हम सभी के देख लेते हैं क्रम से। ये देखिए प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है, प्रश्न नंबर जो 6 था, 6 का अथवा वाला लिखा है यहाँ पर, 6 का अथवा वाला क्वेश्चन का ये उत्तर है, देख सकते हैं। ये 7वें का उत्तर, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा 7वां का अथवा, और ये हमारा 8वां क्वेश्चन का उत्तर, ये हमारा 8वां का अथवा वाला, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा का उत्तर। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, दोनों आपको जो क्वेश्चन नंबर 10वां है और उसका अथवा वाला है वो भी आपको उत्तर यहाँ पर मिलेगा। 11वां का अथवा, अच्छे से वीडियो को रोक कर देख लेना, PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। ये क्वेश्चन नंबर तेरह का अथवा वाला, ये क्वेश्चन नंबर 14, आराम से वीडियो को देख कर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 16 का उत्तर, ये 16 का अथवा वाला, ये 17 का अथवा वाला, ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए, क्वेश्चन आराम से नोट करना, उसके बाद उसके आंसर नोट कर लेना। यहाँ से पेपर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो पूरे में से पूरे नंबर आपके पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर, 19वां का अथवा वाला, 20वां, वीडियो को थोड़ा रोकना और नोट कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ये 22वां क्वेश्चन का उत्तर, ये अथवा वाला, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, ये 23वां का अथवा वाला। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, सभी के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए, आप पहुँचाएंगे, आप सभी दोस्त अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेटस पर इस वीडियो को ज़रूर लगाइएगा लिंक को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।